आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम फ्लेवरफुल लहसुनी चटनी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। जब भी आपका मन नहीं हो सब्जी बनाने का तो आप इसके साथ भी खाना खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और अगर आप कोई ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे ग्रेवी एकदम फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी। ये इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड सेल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लहसुनी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने सूखी लाल मिर्च ली हैं, लगभग 25 मैंने ली हैं, 20 या 25 मिर्च काफ़ी होती हैं। तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये थोड़ी सी तीखे वाली हैं तो इसको मैंने बीज से कट करके इसके बीज अच्छे से निकाल दिए हैं, तभी मैंने इसको भिगोया है। 2 घंटे हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, निकाल लेते हैं इसे। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 चम्मच यहाँ तेल डाल रही हूँ और इसी के साथ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और जितने आप मिर्च लें उसका लगभग डबल हम लहसुन लेंगे। तो 20 आप मिर्च ले रहे हैं तो 40 कलियाँ आप लहसुन की ज़रूर ले लीजिए। तो इसे अच्छे से भून लेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और लगभग 1 छोटा चम्मच ही मैं धनिया डाल रही हूँ, धनिया के बीज। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। अब जो हमने मिर्च को भिगो के रखा था उसे हम डाल लेते हैं और मिर्च को भी हम 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे अच्छे से, जिससे ये और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो पका लेते हैं इन्हें। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और पीस लेंगे, ठंडा होने के बाद ही हम इनको पीस लेंगे। तो अब उसी पैन में मैंने 1 चम्मच तेल और डाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच राई या सरसों वो डाल लेंगे, 1 चम्मच हम जीरा डाल लेंगे और थोड़ी सी मैंने यहाँ 1/4 छोटी चम्मच मैंने हींग ली है। हींग ज़रूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने पीस के रखा है मिर्ची का पेस्ट वो डाल लेंगे और इसे पका लेंगे हम लगभग 6 से 7 मिनट। इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, इसे पकाना है। और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा, एकदम लाल ये बनकर तैयार होगा। अब जो मिक्सी में मिक्सचर बस गया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भी डाल लेंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे। तो लगातार चलाते हुए हम इसे पकाना है। जब भी आप ये पेस्ट बनाएं तो आप खिड़की या दरवाजे खुले रखें क्योंकि इसमें धांस होती है। अब 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। देखिए इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। और पका लेंगे। देखिए इसे पकाती हूँ, 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 1 चम्मच चीनी ली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखी है मिर्ची, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो इसे हम, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए। ये बनकर तैयार है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो लहसुनी चटनी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए, फिर एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप इसे 3 से 4 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं
एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।